हेलो एवरीवन, दिस आर प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की सिविक्स, चैप्टर नंबर 1। तो आज हम पढ़ेंगे ओन इक्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी 6th क्लास की सिविक्स कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी एक ना मेन फीचर है या की एलिमेंट है किसका, डेमोक्रेसी का। तो चलिए पहले डेमोक्रेसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए इंडिया क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, यहाँ की गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक है। अब आप ऑलरेडी डेमोक्रेसी का प्रॉपर चैप्टर 6th क्लास के बुक में सिविक्स में आप कर चुके हैं, उसके की एलिमेंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसके की एलिमेंट को इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। अब अगर आप ऑल एंड ऑल बात करें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता क्या है, यहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी को इक्वालिटी दी जाती है, जस्टिस दिया जाता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, सभी को समान माना जाता है। तो ये है डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स जिसमें हम आज बात करेंगे इक्वालिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी है क्या, इक्वालिटी डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट क्यों है, और हम ये सब पढ़ेंगे कांता की स्टोरी से। तो यहाँ पर स्टोरी के थ्रू समझाया गया है कि क्या हम सब इक्वल हैं, अगर हैं तो कैसे, और नहीं हैं तो क्यों, वो सब भी यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है। तो अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग एक रो में खड़े हुए हैं, नाम के नीचे सबके ऑक्यूपेशन दिए गए हैं, कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई स्लम एरिया से आया हुआ है, लेकिन सभी लोग एक रो में खड़े हुए हैं। किसी को ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, सबको इक्वल माना जा रहा है। ये नहीं है कि अमीर आगे है और गरीब पीछे है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कांता देवी की, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। अब सब लोग जब इस रो में समान रूप से खड़े हुए हैं, तो इस बात से कांता देवी कहती हैं अपनी फ्रेंड सुजाता को, कहती हैं कि सुजा ये कितना अच्छा है कि हमारी कंट्री में वोट देने के लिए सबको इक्वल ट्रीटमेंट भी मिल रही है। सब देखो एक रो में खड़े हुए हैं, यहाँ पर चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, सभी को समान लाइक एक समान ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं जिनके घर, जो कि हैं जैन साहेब, उनके घर काम करती हूँ, वो भी इस लाइन में खड़े हुए हैं हमारे साथ। तो देखो हमारी कंट्री में सभी को कितना इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसी बात पर सुजाता अग्री करती है और वो कहती हैं बिल्कुल सही। अब कांता का नंबर आता है कि वो वोट दें। अब वो वोट देने से पहले यहाँ पर कहती हैं कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारे एरिया में पाइप वोटर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड पेज पर भी इस लाइन को कंटिन्यू किया गया है, और ये हैं अशोक जैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके घर जो कांता देवी हैं वो काम करती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को जो है गुड बाय करती हैं, और यहाँ पर जब ये घर आती हैं कांता देवी, इनकी डॉटर जो है वो बीमार होती हैं, तो ये अपनी डॉटर को कहती हैं कि मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी और हम शाम को हॉस्पिटल चले जाएंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो यहाँ पर जो कांता हैं वो कहती हैं कि मेरी जो बेटी है गुड़िया वो बहुत बीमार है, और मुझे साहब के घर पहले काम करने जाना होगा, तभी मैं उनके उनसे कुछ एडवांस मांग सकती हूँ जिससे मैं अपनी बेटी को कहाँ पर दिखा सकूँ, हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर जब वो वापस आती हैं अपने एरिया में, तो वो कहती हैं कि नो वंडर कि गुड़िया क्यों बीमार पड़ी हैं, क्योंकि ये जो बस्ती है, जो ये स्लम एरिया है, ये कभी क्लीन ही नहीं रहता। अब बस्ती, स्लम एरिया मतलब जो ऐसी जगह जहाँ पर कूड़ा वगैरह या ड्रेनेज आसपास होता है, वो भी ड्रेनेज कैसा होता है, खुला, वो कवर नहीं होता, तो यहाँ पर हमेशा गंदगी गिरी हुई होती है। तो इसी वजह से ये इस गंदगी को देखकर ये बातें बोलती हैं। कांता देवी अशोक जैन के घर काम करने आती हैं, तो उनकी मिसेस कहती हैं कि जो कॉर्नर्स हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना। अब कांता देवी एडवांस मांगती हैं, मिसेस जैन एडवांस दे देती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि इसे आदत मत बनाना। इसी बात पर कांता देवी कहती है नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। अब कांता देवी को एडवांस मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। अब वो अपनी डॉटर को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाती है, तो उसे बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पर वो मन ही मन सोचती हैं
कि जैन मैडम, जैन साहब, भले ही वो वोट देने के लिए हमारे साथ लाइन में खड़े हों, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो शायद उनको हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ता। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या सच में इक्वालिटी है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल राइट टू वोट, कि सभी को वोट देने का इक्वल राइट है, समान अधिकार है। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्टोरी कहाँ से बिगिन होती है, कांता देवी जो कि एक रो में खड़ी हुई है वोट देने के लिए, वहाँ पर उनके आसपास वेरियस पीपल है, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, इवन दो जिनके यहाँ काम करती है अशोक जैन जो कि बहुत अमीर आदमी हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी उस लाइन में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में। देखिए हमारी जो इंडिया कंट्री है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर सभी एडल्ट्स, एडल्ट्स कौन होंगे यहाँ पर, 18 एंड 18 से अबव, उनको वोट देने का अधिकार है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कितना पढ़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कौन सी कास्ट है, क्या जाति धर्म है, या वो रिच है या पुअर हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कंट्री में सभी को इक्वल माना जाता है, सभी को इक्वल अधिकार है वोट देने का। अब ये सब हम ऑलरेडी सिक्स क्लास की बुक में पढ़ भी चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी लाइन लिखी ही हुई है कि सभी को समान अधिकार है वोट डालने का। इट डजेंट मैटर कि उनकी क्या कास्ट है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं, वो रिच हैं, पुअर हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। एक आदमी एक वोट, दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लाइन आप समझ लेना कि अगर ये लाइन ऐसे लिखी आ गई और आपसे MCQs में तीन चार चीज़ें लिख देंगे कि ये क्या है, तो आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर टिक मार्क करके आ जाएंगे। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डेमोक्रेसी का इसेंशियल एस्पेक्ट है, इसेंशियल पार्ट है। अब जो ये आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये आइडिया बेस्ड होता है इक्वलिटी के आइडिया पे। मतलब सभी को यहाँ पर इक्वल माना जाता है, सभी को वोट देने का अधिकार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर जो कांता है वो बहुत एक्साइटेड है वोट देने के लिए और बहुत खुश भी कि सबको कितना इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान की एक वोट की वैल्यू है। तो वो यहाँ पर इसी बात पर खुश हैं कि उनके वोट की भी वैल्यू है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे डेज पास होते रहते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं, उसी हिसाब से कांता थोड़ी सी लेस सर्टेन हो जाती है। देखिए यहाँ तक तो वो बहुत खुश थी अभी तक तो, कि उसे वोट देने का अधिकार है, सबको उसके लाइक अमीर गरीब सब लोग इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन ये जो सर्टेनिटी है वो धीरे धीरे लेस होती जाती है, कम होती जाती है। अब यहाँ पर वो सोचती है कि जो ये इक्वलिटी है इसका मतलब क्या है। कांता को इतनी अनश्योरिटी या लेस सर्टेनिटी क्यों हुई कि इक्वलिटी है या नहीं है, और अगर है तो इसका मीनिंग क्या है, उसके लिए हमें इनकी स्टोरी देखनी पड़ेगी और आगे। ये जो कांता हैं ये एक स्लम एरिया में रहती हैं, इनके घर के पीछे एक ड्रेन है जो कि अनकवर है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। इनकी डॉटर जो हैं वो सिक हैं, बहुत बीमार हैं, और इनके पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि ये हॉस्पिटल में डेली उनको दिखा पाएँ, और वो एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि एक तो वो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, उनको काम करने जाना पड़ता है, साथ ही साथ उनको एडवांस लेना है, इसलिए भी वो छुट्टी नहीं ले सकती। और जो उनकी जॉब है वो है डोमेस्टिक हेल्प की। अब वो क्या करती हैं, पहले वो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं और घर साफ करके आती हैं, अदर काम करती हैं, फिर वो हॉस्पिटल में लॉन्ग लाइन में खड़ी हो जाती हैं अपनी डॉटर को दिखाने के लिए। यहाँ पर उनको लगता है कि जो मैंने मॉर्निंग में लाइन देखी थी, जो वोट डालने के लिए लाइन थी, उस लाइन से ये लाइन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वोट डालने के लिए तो उस लाइन में सभी लोग थे, वेरियस पीपल थे, लाइक अमीर गरीब मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन जिस लाइन में अभी मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ वहाँ पर ज़्यादातर लोग पुअर ही हैं, सभी लोग गरीब ही हैं। तो यहाँ पर उनको लगता है कि क्या इक्वलिटी है, अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अब कांता जैसे बहुत लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते तो हैं, उनको वोट देने का अधिकार भी है और इक्वल राइट है,
लेकिन उनकी डेली लिविंग और जो उनके वर्किंग कंडीशंस हैं, मतलब उनके डेली रहने का तरीका, उनका काम या उनकी जो कंडीशंस है, वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, वो इक्वालिटी से बिल्कुल दूर हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, मतलब अमीरी गरीबी ही नहीं, इसके अलावा भी इंडिया में ऐसे लोगों को जो कांता देवी हैं, इस ग्रुप के लोगों को बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, और इनइक्वालिटी भी बहुत लाइक डिफरेंट वेज में, बहुत तरीकों में। अब यहाँ पर हम टू स्टोरीज पढ़ेंगे जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप की इनइक्वालिटी यहाँ पर होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि किस टाइप की इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में। अब देखिए, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो वेरी यंग एज में, मतलब बहुत ही छोटे से वो समझने लगते हैं कि उनकी कास्ट क्या है। और अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि शहर के लोग अब कास्ट में बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है कि मैट्रिमोनियल जब एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आती हैं तो कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कास्ट इशू यहाँ पर भी आप देख सकते हो। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें SC ST एक्सक्यूज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना SC ST एक्सक्यूज, एंड नेक्स्ट में आप जब यहाँ पर देखेंगे तमिल ब्राह्मण, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने एजुकेटेड अर्बन इंडियंस जो शहरों में रहते हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो भी कास्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं ही है कि अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं वो कास्ट में बिलीव नहीं करते। हर जगह ये कास्ट से रिलेटेड इनइक्वालिटी पाई जाती है, चाहे वो गांव है या फिर वो शहर है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन गया। यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, और ये स्टोरी है एक दलित चाइल्ड के बारे में, जो स्कूल अटेंड करने जाते थे और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो हम पढ़ेंगे। अब ऐसी बहुत सारी दलित की स्टोरी हम सिक्स्थ क्लास के सिविक्स में भी कर चुके हैं। जो दलित टर्म है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। देखिए, पहले तो क्या होता था, अनटचेबल बोल दिया जाता था, फिर गवर्नमेंट ने वो वर्ड बिल्कुल अबोलिश कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, और गवर्नमेंट ने इनको एक टर्म दी दलित। और ये जो दलित वर्ड है, इस टर्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। और ये पॉइंट आउट करता है उस चीज़ को कि लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ था और कैसा व्यवहार होता रहा है और कितना इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। अब यहाँ पर हम वो दलित चाइल्ड की स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो कि एक दलित राइटर हैं और जिन्होंने अपनी खुद की एक्सपीरियंसेस बताए। तो जब खुद के ऊपर कोई बुक लिखी जाए, उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, खुद पर जब कोई बुक लिखते हैं ना, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, और जब किसी और पर लिखी जाती है तो उसे कहा जाता है बायोग्राफी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये खुद अपने लिए लिखी है, या अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए ये बुक लिखी है झूठन, तो वो है इनकी ऑटोबायोग्राफी। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि इनके साथ क्लास में कैसा व्यवहार होता था। यहाँ पर वाल्मीकि बताते हैं कि उनको क्लास में सभी बच्चों से दूर बिठाया जाता था, वो भी फ्लोर पर। बच्चे अगर बेंच पर बैठते थे तो उनको फ्लोर पर बिठाया जाता था, और अगर बच्चे मैट पर बैठते थे तो भी उनको उनसे दूर फ्लोर पर बिठाया जाता था, बिल्कुल ज़मीन पर। और जिस मैट पर अगर वो कभी बैठ भी जाया करते थे, तो अगले दिन वो जो स्पॉट होता था उनका बैठने का, जहाँ पर मैट लगा हुआ होता था, उसको भी हटा लिया जाता था। इवन दो कई बार ऐसे होता था कि मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था, बिल्कुल डोर के पास में, और समटाइम्स उसे बिना मतलब के मारा भी जाता था। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि जो उनके स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने ओम प्रकाश को कहा कि देखिए, ये है क्लास फोर्थ की बात, वो कितने छोटे रहे होंगे उस टाइम पर, कितने बच्चे होते हैं फोर्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं। उनको उनके हेडमास्टर ने कहा ओम प्रकाश को कि स्कूल और प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाओ। अब वो यहाँ पर लिखते हैं कि जो प्लेग्राउंड था, मतलब जो खेल का मैदान होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, वो कितना बड़ा होता है, और वो मेरी फिज़िक के हिसाब से तो बहुत बड़ा था, मैं उसको हैंडल भी कैसे कर सकता था, क्योंकि फोर्थ क्लास का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब उसे क्लीन किया तो उसका बैक जो था, कमर जो थी, वो दुखने लगी थी, उनका जो फेस था वो डस्ट से कवर हो गया था।
अब ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि क्लास के सभी बच्चे तो पढ़ रहे थे लेकिन मैं झाड़ू कर रहा था और जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे थे पर वो देख मुझे ही रहे थे। वो कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी मुझे पानी पीना अलाउड नहीं किया गया। मैं उस टैप से पानी नहीं पी सकता था जहाँ से सब पानी पीते हैं। ये सेम इंसिडेंट हम क्लास सिक्स की सिविक्स में चैप्टर में कर चुके हैं कि किस तरीके से दलित्स को अलाउड नहीं था टेंपल्स में एंटर करना और दलित्स के जो बच्चे होते थे उनको सेम टैप से जहाँ पर पानी आता है जहाँ पर सब पानी पीते हैं वहाँ से उनको पानी पीना भी अलाउड नहीं था। तो सेम चीज़ जो वाल्मीकि हैं उनके साथ हुई थी। अब जो वाल्मीकि हैं उनके ऊपर सभी की नज़रें थी। हेडमास्टर तो उनको ऑब्जर्व कर ही रहे थे, देख रहे थे, साथ ही साथ जो टीचर्स थे जो उनके स्कूल के बच्चे थे वो भी उनको देख रहे थे। ओम प्रकाश जो हैं उन्होंने पूरा स्कूल साफ़ किया, पूरा प्लेग्राउंड साफ़ किया और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। अब ये चीज़ जब ख़त्म हुई, जब उनके फादर जो वाल्मीकि हैं उनके फादर पास से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है और जबकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी बात से वाल्मीकि के फादर को बहुत गुस्सा आया और वो टीचर्स के पास गए और उनको प्रिंसिपल्स को टीचर्स को कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करना होता है आमना सामना, और उनको डांट लगाई इस बात पर और उन्होंने कहा कि तुम टीचर हो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मेरा बेटा यहीं पर स्टडी करेगा, ये उसका राइट है। और वो यहीं नहीं, वो ही नहीं बल्कि और दलित्स जो हैं उनके बच्चे भी यहीं स्टडी करेंगे। तो एक ये स्टोरी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जा सकता है कि झूठन जो वर्क है ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखी है, किसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में है। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर अब दूसरा एक इंसिडेंस है जो हम पढ़ेंगे दूसरी स्टोरी में। तो यहाँ से दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जो सेकंड स्टोरी है वो ऐसे इंसिडेंट से बेस्ड है जो आपको हर सिटी में देखने को मिलेगा। ये कॉमन प्रैक्टिस होता है हमारी कंट्री में, जैसे कि हर जगह आपको सिमिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। ये है स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में, जिनको शहर में एक अपार्टमेंट चाहिए था रेंट पर। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रेंट आसानी से पे कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ली और प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं वो रेंट के लिए बाकी हैं। तो जब वो अपार्टमेंट देखने गए तो अंसारी लाइक दैट वेरी मच, अंसारी को वो पसंद आया और अंसारी ने कहा कि मैं ये अपार्टमेंट ले सकता हूँ। अब यहाँ पर लैंड लेडी ने उनका नाम पूछा। जब उनको नाम पता चला कि जो रेंट पर रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम हैं, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी मुस्लिम हैं, इसी वजह से यहाँ पर लैंड लेडी उनको अपना जो वो घर है, जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, वो रेंट पर देने के लिए मना कर देती हैं। अब वो कहती हैं यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ बनाकर कि यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में, पूरे अपार्टमेंट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कोई भी मीट नहीं खाता, सभी लोग वेजिटेरियंस हैं। अब अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गए। रीज़न ये था कि पास वाले ही घर से फिश बनने की स्मेल आ रही थी। तो जो ये सेम एक्सक्यूज़ थे मीट के या फिर ऐसे एक्सक्यूज़ नॉन वेजिटेरियंस के, उनको बहुत सारे अपार्टमेंट्स में देखने को मिले। अब फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने कहा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कि आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए, लेकिन अंसारी ने ये सब करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन एंड तक देखते देखते पूरे मंथ के बाद उनको एक ऐसा अपार्टमेंट मिल जाता है रेंट के लिए। रेकग्नाइजिंग डिग्निटी मतलब मर्यादा, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, है ना, ये चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना। और अगर हम किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट करते हैं, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो हम सामने वाले इंसान की डिग्निटी को डिग्रेड करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक आत्मसम्मान होता है। यहाँ तक हम ये तो समझ चुके हैं कि जो कास्ट में हम बोर्न होते हैं, जो रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, किस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, वेदर वी बिलोंग टू रिच फैमिली और पुअर फैमिली, या हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये सब चीज़ों से ये डिटरमीन होता है कि लोग आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग आपके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, इनके साथ बैड ट्रीटमेंट हुआ था। किस बेसिस पर? इनके बेसिस पर कि कास्ट और रिलीजन इनका उनसे अलग था। अब देखिए,
अगर हम किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनकी जो डिग्निटी है उसको हम वॉयलेट करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी की डिग्निटी को भी वॉयलेट किया गया। अंसारी को स्कूल में स्वीप करने के लिए फोर्स किया गया क्योंकि उसकी जो कास्ट थी वो दलित थी। ओम प्रकाश को बहुत बैड ट्रीट किया गया, क्लास के सभी बच्चे तो बैठकर पढ़ते थे बट ये स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करते थे। जो स्कूल मेट्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वॉयलेट किया। और ऐसा ही अगर हम अंसारी की लाइफ में देखें तो अंसारी की भी डिग्निटी को हर्ट किया गया जब उनको अपार्टमेंट देने से मना किया गया। यहाँ पर भी देखिए, ऊपर की लाइन मैंने स्किप कर दिया, सेम बात कही गई है, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। जैसे कि ये सब चीज़ें वाल्मीकि के साथ होती रहती है, अगर वाल्मीकि के जो फादर हैं वो टीचर्स को और हेडमास्टर को डांटते नहीं तो, क्योंकि उन्होंने उनको फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरे ही बच्चे नहीं बल्कि और भी दलित के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका इक्वल राइट है। अब ऐसा ही हमने अंसारी की लाइफ में देखा कि उनको अपार्टमेंट देने से सभी लोगों ने मना कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने ये कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, लेकिन इसी बात पर जो अंसारी थे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं चेंज कर सकता। और वो बिल्कुल सही थे क्योंकि ये उनकी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ओम प्रकाश और अंसारी ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे। वो सेम ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं जो अदर्स के साथ होता है, सेम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, सेम डिग्निटी वो डिज़र्व करते हैं दूसरों की तरह। यहाँ पर हम इस चैप्टर का पार्ट वन ख़त्म करते हैं, कल हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय।